सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूरपीडिया एजुकेशन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस कर रहा हूँ, और वो है इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ जेके पीएससी। एज यू कैन सी, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना इंटरव्यू शेड्यूल रिलीज कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो एज यू कैन सी हेयर, ये एक लिस्ट आया है कैंडिडेट का अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम कि किस कैंडिडेट का इंटरव्यू किस डेट को होगा, किस टाइम पे होगा, राइट। सो देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो डेट है आपका वो 13/03/2023 एंड टूडे इज फर्स्ट। सो ऑलमोस्ट यू हैव 10 days, नॉट मोर देन 10 days, राइट। और देखिए यार, जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो अब आप फाइनल अपॉर्चुनिटी या जो आपका ड्रीम था, जिसके लिए आपने इतना एफर्ट पुट करा है जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आप इस खाली एक स्टेप दूर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और आपको भी मालूम है कि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग रहती है, इसके बाद भी एक फिल्टर होता है, तो आगे सभी बच्चे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि इंटरव्यू में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस स्टेज पे जहां पे आप खाली अपनी ड्रीम पोजीशन से सिर्फ एक कदम दूर हो, वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि 10 दिन में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सी, अगर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें, बीट टेक्निकल बीट नॉन टेक्निकल, यूरपीडिया एजुकेशन इज वन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया जाता है, आपको मॉक दिए जाते हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है, और आपको बताया जाता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, जब भी ऐसे एग्जाम का इंटरव्यू रहता है, तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें सिर्फ टेक्निकल चीजें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। दूसरा चीज ये रहता है कि नॉलेज, देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए, ऑब्वियसली दे हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग हियर, देयर नेम इज देयर इन द लिस्ट, राइट। बट द पॉइंट इज, अब आगे जाके आप इसको अगले स्टेज पे लेके जाते कि नहीं जाते, तो नॉलेज टेक्निकली सभी के पास रहेगा, बट द पॉइंट इज आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका स्मार्टनेस कितना रिफ्लेक्ट होता है इंटरव्यू में, तो ये सारी चीजें आपको मास्टर करनी है। तो इसके लिए 10 दिन मोर देन इनफ है। सी, यू अंडरस्टैंड कि 10 दिन में आप कोई बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ लोगे टेक्निकली कि आपका इंटरव्यू के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, वो चीज रिक्वायर्ड है। जब आप ऐसे रैंडम रिसोर्सेज को चूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे कयोस हो जाता है, और उसकी आप जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है बहुत हैम्पर हो जाती है, राइट। तो आई सजेस्ट यू स्टूडेंट, देयर आर 10 days, ओके, यू कैन सी द लिस्ट हियर, वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेक द 10 days, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल स्टेज। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने एफर्ट्स के बाद आपको मिला है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2-3 साल से एग्जाम लिख रहे हैं, तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत एफर्ट के बाद आया, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल विद द ट्रस्टवर्दी एंड वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड दैट इज योर पीडिया एजुकेशन, राइट। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा जे एंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड, और आपको टेक्निकली गाइड किया जाएगा कौन से सब्जेक्ट को आपने अपने इंटरेस्ट और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर आप किसी ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना जो वर्क एक्सपीरियंस उसको कैसे प्रिपेयर करना, उसके लिए सेपरेट सेशन रहते हैं। देखो, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सीवी में या अपने परफॉर्मा में, जो भी आपसे फिल करवाते हैं, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। तो उसको प्रिपेयर करना भी एक स्ट्रक्चर होता है, आर्ट होता है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें, जो आपका ये मॉड्यूल रहेगा, उसमें डिस्कस की जाएगी। सो फाइनली आई विशेस ऑन द बिहाफ ऑफ द यूरपीडिया एजुकेशन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यू ऑल डिजर्व द गुड थिंग इन लाइफ, बट जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा वही फाइनल डेस्टिनेशन जाएगा। थैंक यू।